वर्ष में नशा मुक्त समाज बनाने के लिए नागपुर में नशा मुक्ति अभियान का महासम्मेलन आयोजित, पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती सांसद कृपाल तुमाने रहे। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा नेता उमा भारती ने नागरिकों से अपील की है कि वे नए साल से नशा मुक्ति का संकल्प लें और खुद को नशे से दूर रखें। वे आज नागपुर में नशा मुक्ति अभियान के भव्य सम्मेलन के अवसर पर बोल रही थी। इस अवसर पर रामटेक सांसद कृपाल तुमाने, भंडारा जिला पुलिस अधीक्षक लोहित मतानी समेत हजारों नागरिक मौजूद रहे। यह नशा मुक्ति कार्यक्रम परमात्मा एक पंथ द्वारा आयोजित किया गया था। नशा मुक्ति अभियान के इस भव्य सम्मेलन में महात्मा गांधी राज्य स्तरीय नशा मुक्ति पुरस्कार से सम्मानित लक्ष्मण राव मेहर सहित राज्य के अनेक सामाजिक कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। इस अवसर पर विभिन्न जागरूकता कार्यक्रमों के माध्यम से नागरिकों को नशा मुक्त होने की अपील की गई। नव वर्ष मनाते हुए नागरिकों को नशे से दूर रहने की भी अपील इस मौके पर खास तौर पर की गई। इस दौरान गुटखा पान और सुपारी की भी कुर्बानी दी गई। जहरीली शराब तो एक माफिया है पूरे देश में जो चला रहा है जहरीली शराब को, और ये माफिया हर तरह से प्रोटेक्शन प्राप्त किए हुए है, हर तरह से संरक्षण प्राप्त किए हुए है। और इसलिए जब मैं खुद मुख्यमंत्री बनी तो मेरे मन में था, देखिए अगर मेरा बस चलेगा तो मैं धरती से शराब का और नशे का नाम और निशान मिटा दूंगी, रहने दूंगी धरती के ऊपर। जैसे वो जो महिला है वो एक एक ऐसे इशारे से गिरा रही थी, अगर मेरे इशारे से ऐसा गिर जाएगा ना तो मैं जुम जुम से प्रार्थना करूंगी कि मेरी उंगली को बज्र का बना दो ताकि ऐसी उंगली करती ना और शराब भी मिटे और नशा भी मिटे। इसलिए जब मैं बनी तो मुझे लोगों ने समझाया कि आप पहले माफिया खत्म करिए। शराब से उस समय पर रेवेन्यू बहुत कम कलेक्ट होता था, मैं बात कर रही हूँ 20 साल पहले की। मैं 42 साल की उम्र में बन गई थी मुख्यमंत्री, तो उन्होंने कहा कि आप पहले माफिया खत्म करिए, टेंडरिंग की प्रणाली खत्म कर दीजिए, इससे माफिया पनपता है। मैंने वो खत्म, और इससे फिर जहरीली शराब बनती है पीछे से, हमने वो खत्म किया और मैंने लॉटरी पर डाल दिया कि जिसकी लॉटरी निकल जाएगी उसको दुकान मिलेगी। तो परिणाम यह निकला कि कई मिठाई वालों को दुकान मिल गई, कई खेती वालों को दुकान मिल गई, माफिया टूट गया। वो टेंशन बिल्कुल नहीं दिखा जो बाकी जगह पे दिखता है, और उसका एक सबसे बड़ा कारण है कि आप सभी लोग परमात्मा से जुड़े हुए हैं और आप सभी लोग शराब नहीं पीते हैं। जहां जहां भी पुलिस जाती है उनका सबसे बड़ा संकट यही रहता है कि जो लोग व्यसन करते हैं वे लोग ही क्राइम करते हैं, और इस समाज में, हमारे समाज में क्राइम जो होता है, गुने जो होते हैं, महिलाओं के विरुद्ध गुने होते हैं, रेप के गुने होते हैं, मर्डर के गुने होते हैं, महिलाओं को छेड़छाड़ के गुने होते हैं, ये सभी गुने, इसमें 90% से ज्यादा गुने शराब के नशे में या व्यसन से होते हैं। और आप लोग जो परमात्मा के माध्यम से सभी लोग जो शराब छोड़ चुके हैं, एक बेहतर समाज बनाने की तरफ आप लोग आगे बढ़ रहे हैं। आज के दिन आपने गुटखा तंबाकू खर्रा ये भी नहीं लेने का जो शपथ ली है उसके लिए भी मैं आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, और महेश बाबू जी को भी बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं कि ये जो गुटखा मुक्त महाराष्ट्र बनाने का आपने स्वप्न देखा है इसमें सभी लोग आपके साथ हैं और मैं पर्सनली आपके साथ में हूं। महाउद्देशन जो अर्थ असं की मला काही ठराव घ्यायचे होते आणि ठराव आजपासून गुटखा खाणार नाही हे तुमच्या समोर मी टोपलाभर खर्रा किती टोपलाभर जमा केला हे तुम्ही प्रत्यक्षात पाहलाय, त्याची फोटो आपण घ्या। आणि मला सर्वांना प्रॉमिस करायचं होतं, वचनबद्ध करायचं आहे की आजपासून आम्ही गुटखा खाणार नाही, ज्याच्यामुळे आमचं जीवन नुकसान होते जाते, जीवन संपते आणि ते संपूर्ण आहे म्हणून गुटखा सोडण्याकरता आजच्या महाधिवेशन त्याच्याकरता ठेवला आहे। आज कमीत कमी 20 ते 25 हजार लोक इथे येऊन गेले आहेत, उमा तिथे येऊन गेले आहेत, आपण प्रत्यक्षात पाहिलेलं आहे। हे माझं मंदिरच आहे, या मंदिरामध्येच आम्ही सगळेजण आज परमेश्वराची कृपा घेऊन आम्ही या अधिवेशनाची सुरुवात केली। व्यसन मुक्तीचं महाअधिवेशन हे ठेवण्याचं मागचं कारण तेच आहे माझं, की जे बाबांनी मला शिकवलं ते देण्याचं काम मी लोकांनी करता करून राहिलो आहे। आजपासून गुटखा खायचं नाही। NBC न्यूज के लिए कैमरा पर्सन राजकुमार मोहोड़ के साथ अभिषेक पानसिक रिपोर्ट।